छत्तीसगढ़ की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिलासपुर में आयोजित चुनावी सभा में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मां महामाया अरमा मैया के जयकारों से की। उन्होंने कहा, यहां कल खैरागढ़ में जो घोषणाएं की गई है उनको प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर परिवार में दो बेटे हैं और पिताजी दोनों को कुछ पैसे देते हैं काम के लिए, जिसकी अच्छी नीयत हो वो अच्छा काम करेगा और जिसकी नीयत खराब होती है वो पैसे डुबो देगा। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह आप नेताओं से उनकी नीयत पूछिए। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हत्याकांड को याद करते हुए उन्होंने कहा कि दादी को गोलियों से भून दिया गया, 7 साल बाद पिता का छलनी शरीर घर पर आया, फिर भी हमारी देशभक्ति कम नहीं हुई। मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ, जब हम अपनी बीती पीढ़ी की बात करते हैं तो हमारे विरोधी परिवारवाद की बात करने लगते हैं, लेकिन ये परिवारवाद नहीं बल्कि देशभक्ति है। काबिलियत है आपके भविष्य को मजबूत बनाने की, पूरी काबिलियत है, इच्छा है, नियत है, ताकत है, और हम करके दिखाएंगे। और हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अपनी ताकत और अपनी नियत दिखाई है। आप चाहे किसी भी वर्ग को ले लीजिए, ओबीसी वर्ग को लीजिए, देखते हैं भाजपा क्या कहती है। कई सालों से कह रही है कि हम ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब कांग्रेस ने ये मांग उठाई कि भाई जातिगत जनगणना करो, गिनो कि ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, गिनो, तभी तो तुम मदद कर पाओगे। अगर पता ही नहीं है तो मदद कैसे कर पाओगे। जैसे ही हमने ये मांग उठाई, बहाने शुरू, बोलती बंद।